आप सिर्फ एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि अगर दुनिया से ऑक्सीजन गायब हो जाए, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। हम इंसान तो 5 सेकंड तक अपना सांस रोक लेंगे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द माहौल का क्या होगा? इन 5 सेकंड में ऑक्सीजन के बगैर इस दुनिया में वो सब कुछ होगा जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। एक गहरा सांस लें, है ना कितना इत्मीनान बख्श। जो आप सांस ले रहे हैं वो है ऑक्सीजन, जो पूरे माहौल में 21% पाया जाता है। इस ऑक्सीजन के बगैर पौधे, जानवर, पानी और हम इंसान इस जगह नहीं होते जहां हम आज हैं। 5 सेकंड्स बगैर सांस के रहना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, है ना? हम में से कई लोग तो 30 सेकंड या 1 मिनट तक भी ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के माहौल के लिए ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ 5 सेकंड में दुनिया की शक्ल बदल सकती है। ऑक्सीजन के बगैर आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और वो हर चीज जो सीमेंट से बनी है, उसको खुदाफिस कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर सिर्फ 1 सेकंड भी ये स्ट्रक्चर्स नहीं रह सकते और ये उसी वक्त गिरकर तबाह हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एजेंट कंक्रीट के लिए खसूसी बॉन्डिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। बगैर ऑक्सीजन के कंक्रीट या सीमेंट आपस में चिपक ही नहीं पाएगा और धूल की तरह उड़ जाएगा। इसके अलावा दुनिया में मौजूद वो तमाम चीजें जो लोहे से बनी होती हैं, वो एक ही झटके में एक दूसरे से चिपक कर वेल्ड हो जाएंगी, क्योंकि लोहे के ऊपर एक कुदरती ऑक्सीजन की लेयर होती है जो लोहे को आपस में चिपकने से रोकती है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो तमाम लोहा आपे से बाहर हो जाएगा और एक दूसरे से चिपक जाएगा। अगर आप उन 5 सेकंड्स में धूप में खड़े होंगे तो आपकी जिल्द को फौरन से खौफनाक सनबर्न हो जाएगा, क्योंकि हमारी दुनिया के इर्द गिर्द एक ओजोन लेयर होती है जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को दुनिया तक पहुंचने से रोकती है, और वो ओजोन लेयर बनी होती है ऑक्सीजन की। ओजोन लेयर के बगैर दुनिया के 5 सेकंड तो क्या सिर्फ 1 सेकंड भी कयामत का समा खड़ा कर सकता है, क्योंकि अब दुनिया और सूरज के बीच में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसके अलावा ऑक्सीजन के बगैर इंसान के कान के पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो 21% एयर प्रेशर नहीं होगा, और जब एयर प्रेशर नहीं होगा तो कान के पर्दे फौरन फट जाएंगे। और तो और, ऑक्सीजन के बगैर दुनिया में कहीं आग नहीं लग सकेगी। गाड़ियां रोड जाम कर लेंगी, क्योंकि गाड़ियों के इंजन में कंबशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के बगैर मुमकिन ही नहीं है, और तमाम हवाई जहाज जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे। दिन की कड़कती धूप में भी आसमान काला हो जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिजा में मौजूद तमाम छोटे छोटे जर्रात जमीन पर बैठ जाएंगे। जब फिजा में कोई जर्रा ही नहीं होगा तो हमारे ऊपर आसमान वैसा ही दिखेगा जैसा स्पेस में दिखता है, यानी सूरज भी होगा लेकिन आसमान पूरा काला होगा। और हाँ, जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो जमीन चकनाचूर होना शुरू हो जाएगी, और तब तक होती रहेगी जब तक कुछ भी बाकी ना रहे। जमीन पर मौजूद आप और तमाम लोग फ्री फॉल मोशन में चले जाएंगे, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट यानी जमीन की सतह 45% ऑक्सीजन से बनी होती है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जमीन सुकड़ जाएगी और अपने ऑर्बिट से निकल जाएगी, और यूं सिर्फ 5 ही सेकंड के अंदर अंदर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्यों ना अभी मैं और आप एक लंबा सांस लें और उस रब का शुक्र करें जिसने ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया है। और क्यों ना आप, मैं और हम सब लोग एक एक पौधा अपने घर में लगा दें जो इस दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करने में मदद देगा। इस खूबसूरत मैसेज को जरूर शेयर करें और हमारा चैनल ज़ेम टीवी जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ हम सब अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।